तो आज का वीडियो में दोस्तों एक ऐसा सर्किट यहाँ पर बनाने वाले हैं जो कि यहाँ ना हीटिंग को यहाँ पर जो है कि यहाँ पर पकड़ करके जो है कि कोई भी सर्किट को या कोई भी चीज़ को यहाँ पर जलने से बचाएगा। जैसा कि मान लीजिए कोई भी सर्किट हो गया, होम थिएटर हो गया या और भी कोई चीज़ हो गया, मान लीजिए फैन हो गया, कूलर हो गया, किसी भी चीज़ को, जैसा कि होता क्या ना है कि काफ़ी ज़्यादा अभी के टाइम में जैसा कि गर्मी आ रहा है तो गर्मी में क्या है ना कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हीटिंग हो जाता है और हीटिंग होने के कारण जो है ना कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जल जाता है। जैसा कि किसी भी चीज़ का कॉइल हो गया, फैन हो गया, जैसा कि सीलिंग फैन, टेबल फैन, किसी भी चीज़ का, तो ये जो सर्किट क्या करेगा ना, ये सर्किट जो है कि ज़्यादा ओवर हीटिंग होने के अगर हो जाता है तो वहाँ पर क्या है ना कि ऑटो कट ये जो है कि उसको बंद कर देगा। जब यहाँ पर नॉर्मल जब ठंडा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इसको चालू कर देगा। जैसा कि ज़्यादातर यहाँ पर होता है क्या कि कोई भी चीज़ हम लोग जब चालू करते हैं ना तो हम लोग सिर्फ मान लीजिए फ़ैन हम लोग चालू करते हैं तो जब तक वो मतलब पूरा हीटिंग हो जाए, जल ना जाए, वो बंद नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बंद नहीं करते हैं क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर हीटिंग कितना हो रहा है। हम लोग का सिर्फ हवा खाने से मतलब होता है। तो आज का ये जो मेरा सर्किट रहेगा ना, इसमें क्या है ना कि वो ज़्यादा हीटिंग हो जाएगा ना, यानी कि ओवर हीटिंग अगर हो जाएगा ना तो वहाँ पर क्या है कि ऑटोमेटिक जो है कि उसको बंद कर देगा और नॉर्मल होने पर फिर से चालू कर देगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी देखिए इसको बनाने के लिए यहाँ पर ये दो ट्रांजिस्टर का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और दोनों सेमी ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पर जैसा कि इसको हम अभी एसी में बना रहे हैं तो एसी में बनाने के लिए हमको एक यहाँ पर रिले का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इसको डीसी में अगर यूज़ करना चाहें तो आपको यहाँ पर रिले का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर डीसी में यूज़ करना है तो डायरेक्ट ये ट्रांजिस्टर से काम हो जाएगा, नहीं तो अगर एसी में अगर आप यूज़ करना चाहिएगा जैसे कि 220 वोल्ट में तो आपको ये रिले का ज़रूरत पड़ेगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर खास करके अभी एसी के लिए बना रहे हैं, जैसा कि फ़ैन हो गया, कूलर हो गया और भी कुछ हो गया यहाँ पर, जैसा कि मान लीजिए कोई अगर होम थिएटर वगैरह में हीट सिंक होता है तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये हीट सिंक काफ़ी हीट हो जाता है, जैसे कि इसके ऊपर आईसी लगा हुआ रहता है तो यहाँ पर काफ़ी हीट होता है, तो इसमें अटैच करके रख देगा तो ये ओवर हीट होने से ही इसको ऑफ कर देगा, उसके बाद जो है कि चालू कर देगा, यानी कि पूरा उसका कंट्रोल यानी कि जो मेन लाइन है वो उसको बंद कर देगा। तो किस तरीके से कनेक्शन करना है वो चीज़ आपको यहाँ पर बताएंगे। और उससे पहले यहाँ पर एक कमेंट आता है, जैसा कि यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर आपको भी यहाँ पर डिस्प्ले में अगर लिखा हुआ दिख रहा है, यानी कि जो भी हम यहाँ पर बोल रहे हैं हिंदी में अगर दिख रहा है आपको, तो बहुत सारे भाई को ना पता नहीं है कि उसको बंद कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले में आपको राइट साइड में आपको सीसी का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो उसको टच करते ही बंद हो जाता है, जो कि ये काफ़ी भाई को पता नहीं है, बहुत सारे को यहाँ पर पता भी है। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए हम बोल रहे हैं वहाँ पर टच कर दीजिएगा बंद हो जाएगा, क्योंकि ये यूट्यूब का एक सिस्टम है और इसमें आप लोग के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है कि यहाँ पर इंग्लिश में भी इसको समझते हैं और देखते हैं, तो उनके लिए है ये। तो चलिए यहाँ पर कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो कनेक्शन बिल्कुल भी सेम है और एक डायोड हमने लिया है, बस इतना ही से ये सर्किट कंप्लीट है और कुछ भी ज़्यादा है नहीं। तो वीडियो को बिना स्किप किए यहाँ पर कंटिन्यू जरूर से देखिएगा। तो चलिए इसका पिन आउट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका से है, जो कि ये पॉपुलर ट्रांजिस्टर है BC547। तो दोनों एक ही नंबर का ट्रांजिस्टर है, तो इसको हमको क्या करना है ये देखिए कुछ इस तरीका से हमने यहाँ पर कर लिया है इसका लेग को। तो आपको करना क्या है ना, ये देखिए ये एक एक ट्रांजिस्टर को आपको इसको उल्टा कर लेना है, ठीक है। ये देखिए अभी दोनों सीधा, तो एक को इस तरीका से उल्टा कर लेना है, ठीक है। और उल्टा करने के बाद इस तरीका से यहाँ पर सोल्ड कर लेना है। चलिए यहाँ पर सोल्ड करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए कुछ इस तरीका से हम पकड़ लेते हैं और पकड़ ही कि इसको हम सोल्ड कर देते हैं। सर्किट यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी छोटा सा है, सर्किट यहाँ पर ज़्यादा बड़ा है नहीं। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको इस तरीका से सोल्ड कर लिया, एक सीधा है एक उल्टा है, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों एक साइड में मत रखिएगा नहीं तो ये काम नहीं करेगा। अभी ये बचा दोस्तों डायबोर्ड, तो डायबोर्ड हमको क्या करना है, ये इसका सिल्वर पट्टी है और ये इसका ब्लैक पट्टी है। तो ये जो उल्टा जो ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो उल्टा है उसी के इसमें हमको इस तरीका से अटैच कर लेना है इस तरीका से। चलिए इसको इस तरीका से यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीका से हमने अटैच कर लिया है। अभी जो ये पहला मेरा ट्रांजिस्टर है, इसका कलेक्टर पॉइंट हमको क्या करना है ना, ये रिले का जो कॉइल है, रिले का जो कॉइल वाला पॉइंट है उसमें हमको इसको सोल्ड कर देना है। चलिए इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए रिले का जो कॉइल पॉइंट है तो एक साइड में इसको हम सोल्ड कर लिया है और इस तरीका से इसका कनेक्शन है। अभी हमको सिर्फ एक वायर सिर्फ लेना है और कुछ भी नहीं, एक वायर से यहाँ पर काम हो जाएगा। जो रिले का दूसरा कॉइल है उसमें हमको एक वायर सोल्ड कर देना है, ठीक है, हमने सोल्ड कर लिया है। और इसको उठा के आपको दोस्तों यहाँ पर सोल्ड कर देना है जो ये डायबोर्ड का जो पॉइंट है, जो इसका सिल्वर पट्टी है, उस जगह पर सोल्ड कर देना है इस वायर को। तो चलिए इस जगह पर हम इसको सोल्ड कर लेते हैं।
ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर जो है कि इस तरीका से हमने कर दिया है, ये देखिए यहाँ पर हमने सोल्ड कर दिया है, तो बिल्कुल भी क्लियर है यहाँ पर, सारा कुछ यहाँ पर क्लियर है। अभी आपको यहाँ पर सप्लाई कहाँ पर देना है दोस्तों, वो चीज़ आपको बता दें, तो ये इसका प्लस पॉइंट हो जाएगा इनपुट, यानी कि आप सप्लाई यहाँ पर देना है। जैसा कि देखिए ये मेरे पास 12 वोल्ट का रिले है, तो यहाँ पर हमको 12 वोल्ट ही सप्लाई देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर 5 वोल्ट का रिले आपके पास है, मेरे पास तो नहीं है, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि रिले यहाँ पर ऑपरेट होना चाहिए। तो मेरे पास तो 12 वोल्ट का है, तो यहाँ पर 12 वोल्ट हम यहाँ पर सप्लाई देंगे। और इसके आउटपुट में जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर हमको एसी लेना है, तो ये इसका कॉमन पॉइंट होता है, ये इसका एनसी पॉइंट होता है, ये इसका एनओ पॉइंट होता है। तो हमको इसका आउटपुट कहाँ से लेना है दोस्तों, कोई भी इनपुट वायर, जैसा कि मान लीजिए अगर कूलर का है या फैन का है, कोई भी इनपुट वायर आ रहा है जो डायरेक्ट, वो आपको यहाँ पे लगा देना है एक कॉमन वाला पॉइंट पर, और एक एनसी वाला पॉइंट पर आपको लगाना है, ठीक है, एनओ छोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट 220 वोल्ट यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपको दिखाना है कि किस तरीका से काम कर रहा है। तो ये मेरे पास बॉल है दोस्तों, ये देख सकते हैं डीसी है, वैसे इसको हम डीसी नहीं बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये डीसी एसी दोनों में काम करता है, भले ही 220 वोल्ट में ना काम करे लेकिन ये दोनों में काम करता है। तो इसका दो वायर हम यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो कॉइल है, तो इसके लिए यहाँ पर तीन वायर है, तो एक ब्लैक और एक रेड हमने यहाँ पर ले लिया है। जैसा कि मान के चलिए इसका इनपुट या आउटपुट हम कोई भी पकड़ सकते हैं, या कॉमन या फिर एनसी, तो चलिए हम यहाँ पर कॉमन को पकड़ लेते हैं इसका आउटपुट, ठीक है, कॉमन को हमने आउटपुट पकड़ लिया। और अभी आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये मेरा एक सप्लाई ये है और एक सप्लाई ये है, तो ये जो मेरा सप्लाई है दोस्तों, यहाँ से आपको जो है कि 12 वोल्ट ले लेना है, मेरा यहाँ पर 11 वोल्ट आ रहा है, चलिए थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। चलिए मान के चलिए यहाँ से हमने 12 वोल्ट यहाँ पर सेट कर लिया है, तो ये जो 12 वोल्ट आएगा दोस्तों, ये जाएगा मेरा ये सर्किट में, ठीक है, ये सर्किट में आएगा 12 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर रिले ऑपरेट करना चाहिए। और इसको जलाने के लिए हम ये वाला सप्लाई का यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, इसको जलाने के लिए। तो चलिए इसको जलाने के लिए हमको क्या करना है, तो ये मेरा बड़ा वाला सप्लाई से आ रहा है, ये दो प्रोप यहाँ से आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो ये एलईडी के लिए कोई भी माइनस प्लस नहीं होता है, अगर आपने ये 220 वोल्ट एसी में कर रहे हैं तो न्यूट्रल फेस वहाँ पर होता है, तो आपको यहाँ पर फेस देना है, न्यूट्रल नहीं देना है, क्योंकि फेस दीजिएगा वो काफ़ी बेहतर रहेगा, ठीक है, न्यूट्रल आपको नहीं देना है। तो मेरा जो यहाँ पर एक वायर है दोस्तों, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और ये जो दूसरा है जैसा कि हमने आपको बताया एनसी में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए जैसे ही हमने एनसी में कनेक्ट किया, ये मेरा बॉल यहाँ पर जल चुका है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और भी हम बढ़ा लेंगे, वोल्टेज हम बढ़ा लेंगे, ठीक है, वैसे ये जल रहा है यहाँ पर। तो चलिए एक बार अभी हम हटा देते हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये हमने इसलिए जलाया दोस्तों क्योंकि इसी के चलते हम यहाँ पर इसको हीटिंग देंगे, ताकि ये हीटिंग को समझ सके, पकड़ सके और इसको जो है कि कट ऑफ कर सके। तो जैसे कि इसका हीटिंग इसलिए इस तरीका से हम देंगे दोस्तों, ठीक है, इसके इसको ऊपर रख देंगे, इसका हीटिंग पता चलेगा। जैसे कि हमने आपको बताया जहाँ पर भी आपको हीटिंग आपको लगे, जैसा कि आपको ये बचाना है, आपको आईसी बचाना है, तो ये डायोड हीटिंग का काम करेगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है, डायोड का कोई अलग से वायर आप जोड़ कर कहीं दूर नहीं लेकर जाइएगा, जितना डायोड का वायर रहता है नया में, नया डायोड में उतना वायर रख सकते हैं, और इसका अलग से कोई भी जम्पर करके कोई भी अलग से वायर यहाँ पर मत लगाइए, क्योंकि सही तरीका से फिर काम नहीं करेगा, रिले जो है कि वहाँ से साउंड करना शुरू कर देगा, ठीक है, ये चीज़ हमने आपको क्लियर किया। तो इसको जो है कि आपको किसी भी चीज़ में अटैच कर देना है, ठीक है, इस तरीका से अगर हीट सिंक है तो उसमें, और अगर फैन है तो फैन के साथ डायोड को अटैच करना है सिर्फ, तार वगैरह का नहीं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रहे। चलिए आपको करके दिखा रहे हैं, तब आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसको हमको सप्लाई देना है, तो ये इसका रहा प्लस और ये इसका रहा माइनस, तो माइनस हमको कहाँ पर देना है, यहाँ पर, ये जो ट्रांजिस्टर आ रहा है इस जगह पर, ठीक है, और ये इसका प्लस सप्लाई हो गया। चलिए तो यहाँ पर तो हमने सप्लाई दोनों दे दिया है, माइनस और प्लस दोनों दे दिया है। चलिए मान के चलिए कि प्लस हम इस साइड से दे देते हैं, ताकि यहाँ पर ये वायर मेरा यहाँ पर आ रहा है रिले के इस कॉइल पर, तो हम कॉइल पर ही डायरेक्ट दे देते हैं प्लस इस जगह पर, ठीक है, चलिए कॉइल पे ही दे दिया, और ये यहाँ पर इसके इमीटर पॉइंट पर है, ठीक है। अभी चलिए हम क्या करते हैं, इस लाइट को यहाँ पर चालू करेंगे, इसको इस तरीका से रख लेते हैं ताकि यहाँ पर हीटिंग डायोड पकड़ सके कि कितना ज़्यादा, जैसे कि ये बॉल जो है कि काफ़ी हीट होता है, आपको पता है हाथ रखने से हाथ जो है कि जलना शुरू कर देता है। तो चलिए इसको हम यहाँ से ये वाला लगा देते हैं, इसका सप्लाई दे रहे हैं, ये बॉल का सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि मान के चलिए ये इसका एसी होगा,
चलिए, तो इसको हमने सप्लाई दे दिया है और ये डायोड अभी हीटिंग पर है, तो इसको थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है ताकि यहाँ पर जल्दी जो है कि यहाँ पर ये कटआउट कर सके। अभी देखते हैं कितना हीट होने के बाद जो है कि ये कटआउट करता है। ये ऑटोमेटिक बल्ब बंद हो जाएगा और जैसे ही यहाँ पर नॉर्मल ठंडा होगा दोस्तों, फिर जो है कि ये ऑटोमेटिक इसको चालू करेगा। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि जो भी होगा आपके सामने होगा जो भी है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो ये डायोड जैसे कि हीटिंग, जैसे कि ओवर हीटिंग हमने आपको बताया, जब ओवर हीटिंग होगा तभी जो है कि यहाँ पर ये कटआउट करेगा। तो इसको थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, मेरा इस छोटा वाला मीटर में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 11 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है और ये बड़ा वाला में यहाँ पर 14 वोल्ट के करीब है, क्योंकि हमने यहाँ पर बढ़ा करके रखा है। देखिए जैसा कि देखिए, ये हीटिंग हो गया है या ऑटोमेटिक जो है कि बंद कर दिया है, ठीक है। अभी आप देखिए, अभी जैसे ही यहाँ पर जो है कि ये थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा होगा दोस्तों, इसको फिर से चालू करेगा। ये जो भी आपके सामने है, ये देखिए दोनों सप्लाई मेरा चालू है। आप देखिएगा यहाँ पर एम्पियर ले लेगा बड़ा वाला मीटर में, आप देखिएगा तुरंत एम्पियर ले लेगा जैसे ही चालू होगा। इस तरीका से आपको दिखा रहे ताकि आपको यहाँ पर दिखे, थोड़ा सा नॉर्मल होने देते हैं क्योंकि बॉल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है कि हीट हो जाता है। बॉल का हीटिंग है दोस्तों, वही पे हीटिंग अभी काम किया है। ये देखिए बड़ा वाला मीटर में आप देखिए दोस्तों, बड़ा वाला में एम्पियर वहाँ ले लिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऑन हुआ, फिर से यहाँ पर हीटिंग होगा, फिर से जो है कि ये हटेगा और वहाँ एम्पियर हट जाएगा, ठीक है। देखिए ऑटो कट फिर से करेगा, ये आपको सब तरीका से दिखाने का हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको देखने में समझ में आए। सर्किट यहाँ पर लाइट के कारण यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन मीटर वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। फिर से हीटिंग होगा, फिर से ये ऑटो कट जो है कि इस तरीका से दोस्तों ये करता रहेगा, यानी कि ओवर हीटिंग पर। अगर आप चाहें कि इसका हीटिंग जो है कि और भी कम में कट आउट करना है, तो थोड़ा सा इसको दूर आप रख सकते हैं, जैसा कि हमने इसको सटा के रखा। अभी देखिए ये कट आउट कर गया है। यहाँ पर देखिए बड़ा वाला जो मेरा सप्लाई है, उसमें कोई भी एम्पियर नहीं शो कर रहा है, सिर्फ 4 शो कर रहा है, कोई भी एम्पियर नहीं है। जैसे यहाँ पर कट आउट करेगा, एम्पियर वहाँ उठा लेगा, ठीक है। बड़ा वाला पावर सप्लाई में आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छोटा वाला पावर सप्लाई से हमने यहाँ पर दे करके रखा है इसके सर्किट में। ड्रॉप होकर यहाँ पे 11.3 यहाँ पर जा रहा है। अभी देखिएगा थोड़ा सा देरी हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि लाइव हमको आपको दिखाना है किस तरीके से ये काम कर रहा है। ये देखिए जैसे ही यहाँ पर लाइट जला दोस्तों, वहाँ देखिए एम्पियर उठा लिया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी परफेक्ट तरीका से, अच्छे तरीका से ये सर्किट यहाँ पर काम करता है। चलिए यहाँ से इसको सप्लाई हटा देते हैं। तो जैसा कि आप देखें, इस तरीका से कुछ भी अगर किसी भी चीज़ में आप लगाइएगा दोस्तों, तो ये क्या ना कि कटआउट ऑटोमेटिक करते रहेगा। जैसा कि कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि जब यह कि काफ़ी ओवर हीट हो जाता है तो वो जल जाता है, लेकिन इसको यहाँ से सिग्नल मिलेगा इस डायोड को कि यहाँ पर यह चीज़ जो है कि ओवर हीट हो चुका है। देखिए ये बॉल अभी काफ़ी हीट हो चुका है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ये बॉल हीट होता है, आपको पता है। तो ये जो है कि बंद कर देगा। चलिए छोटा सा एक ये सर्किट था दोस्तों, लेकिन काफ़ी यूजफुल है अभी का टाइम में। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब तो करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके का वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।